तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। इफ टू ट्रायंगल्स आर इक्वल एंगुलर, तो चलिए कंस्ट्रक्ट टू ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर। ओके, प्रूव दैट द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड इज द सेम एज द रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग मीडियंस। मतलब दो ट्रायंगल क्या है इक्वल, दैट मींस इन दैट रूप में ये क्वेश्चन ये कर रहा है कि दोनों ट्रायंगल क्या है सिमिलर है। चलिए सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू एंड एंगल सी इक्वल टू एंगल आर। सब उसके बाद हम क्या करते हैं मीडियन को ड्रॉ करते हैं एंड वी नो दैट मीडियन डिवाइड द अपोजिट साइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। ओके, ये क्या है दोनों इक्वल पार्ट्स में, बीसी को डी क्या है बीसी को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, यहाँ पे एस जो है क्यू आर को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। ठीक है, एक लाइन और लिख लीजिए ए डी एंड पी एस इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल जी क्यू आर रिस्पेक्टिवली। तो प्रूफ क्या करना है आपको कि साइड का रेशियो, मतलब कोई भी एक साइड का रेशियो आप ले लें, जैसे मान लेते हैं यदि बी सी है तो बी सी के क्या है कॉरस्पॉन्डिंग क्यू आर एंड इक्वल टू ए डी, मीडियन ए डी है तो यहाँ पे क्या है पी एस। अब यहाँ पे किसी कंस्ट्रक्शन की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी, ठीक है, सीधा हम लोग चलते हैं प्रूफ की तरफ और प्रूफ में देखते हैं ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर इज इक्वी एंगुलर, दैट इज क्या हो गया ट्रायंगल एबीसी सिमिलर ट्रायंगल पीक्यूआर और सिमिलर हो गया तो आप यहां से ए बी बार PQ साइड का रेशियो क्या होता है इक्वल BC by QR इक्वल टू क्या लिख सकते हैं AC by PR। अब देखिए यहां पे PQ AB by PQ इक्वल टू BC by QR but AB by PQ इक्वल टू BC by QR इक्वल टू, अब BC है यहां पे देखिए BC इक्वल टू क्या है BD plus CD और दोनों इक्वल पार्ट में है तो सी डी को भी क्या लिख सकते हैं बी डी, तो क्या हो गया टू बी डी इक्वल टू बी सी, नहीं तो बी सी इक्वल टू क्या हो गया टू बी डी और उसी तरह क्या आ गया यहाँ पे देखिए अब इसको मिटा दीजिए क्यू आर इक्वल टू क्यू एस प्लस एस आर क्यू एस और ये दोनों तो इक्वल ही है, ठीक है तो एस आर की जगह भी हम क्या लिख सकते हैं क्यू एस, तो क्या आ गया क्यू आर इक्वल टू टू क्यू एस और यहाँ पे क्या आ गया टू क्यू एस, टू टू कैंसिल हो गया, कहने का मतलब यहाँ से क्या आ गया ए बी बाय पी क्यू इक्वल टू बी डी बाय क्यू एस। ओके, अब देखते हैं दो ट्रायंगल को ले लेते हैं, इसको चलिए मिटा देते हैं। नाउ इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल पी क्यू एस, इस दोनों ट्रायंगल को क्या कर रहे हैं हम सिमिलर करने की कोशिश करते हैं तो क्या आ जाएगा ए बी बाय पी क्यू तो है ही, ए बी बाय पी क्यू तो है ही, ठीक है इक्वल टू किसके है बी डी बाय क्यू एस के एंड एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू एंड वी नो दैट वी सिमिलर टू ट्रायंगल बाय एस ए एस सिमिलरिटीज, तो बाय एस ए एस सिमिलरिटीज, सिमिलरिटी से क्या हो जाएगा ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू एस, अब दोनों क्या हो गया सिमिलर हो गया तो सिमिलर हो गया तो हम क्या लिख सकते हैं ए बी बाय पी क्यू इक्वल टू ए बी बाय पी एस। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या है यहाँ पे इस दोनों को लेने की जरूरत है और यहाँ पे ये इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड एंड ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या आ गया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। अब देखिए ए बी बाय पी क्यू,
BC by QR के इक्वल है, AB by PQ, AD by PS के इक्वल है, AD by क्या है PS के इक्वल है, तो यहां से क्या आ जाएगा B BC by QR इक्वल टू AD by PS। तो क्या देखिए साइड का रेशियो इसके मीडियन के कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो और कॉरस्पॉन्डिंग मीडियंस का रेशियो क्या हो गया इक्वल हो गया। इसी चीज को प्रूफ करना था और हमने आसानी से प्रूफ कर दिया। उम्मीद है आप दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।